आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्र, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है आप गेस कर सकते हैं? बिल्कुल सही पहचान लिया, बहुत लोग तो गए होंगे, यहाँ पे भी रहते होंगे अगल बगल। तो क्या है ये? ये है स्तूपा ऑफ सांची। तो आज हम बात करेंगे सांची के स्तूप की। मध्य प्रदेश में है भैया, भोपाल से 46 किलोमीटर दूर। टिकट लगता है लेकिन यहाँ पे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, टिकट लगता है। तभी तो, जब तक पैसे नहीं आएंगे तो एरिया को डेवलप कैसे करेगी सरकार? इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट, नो इश्यूज। तो आज हम बात करेंगे स्तूप ऑफ सांची की। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, ये 2000 साल पहले बनने शुरू हुए थे और आज तो भैया भारत की धरोहर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसका इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा है। चौथा लेक्चर है दोस्तों, जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, एक एक साइट का मैं रिव्यू करने वाला हूं। भारत में टोटल वैसे तो 37 साइट्स थी, लेकिन हाल ही में एक साइट जुड़ गई है, जयपुर। पूरे शहर को ही एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित कर दिया गया है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने लिया था दोस्तों, उसमें आप देख लीजिएगा यूनेस्को क्या है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट को घोषित करने के लिए, उसके बाद इनका इफेक्ट क्या होता है, इंपैक्ट क्या होता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी उस लेक्चर वन में, आप देख लीजिएगा। फिर लेक्चर टू हमने लिया था आगरा फोर्ट पे, लेक्चर थ्री अजंता पे, ये लेक्चर फोर है, ठीक है। अजंता मतलब अजंता और एलोरा, वो भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स भैया भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत_reconnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों जगह पे चलिए पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आप 2020 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो स्टडी आईक्यू के कोर्सेज को बिल्कुल अवेल करिए। सारे सिलेबस को कवर किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ₹625 प्रति माह से स्टार्ट। आज ही अवेल करके अपनी ड्रीम जॉब निकाले। तो ये देख लीजिए आप दोस्तों, एक नजर मार लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन सबका मैं रिव्यू करूंगा। वैसे तो दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं, ठीक है, तो ये तो मैं नहीं रिव्यू करने वाला। लेकिन आगरा फोर्ट और अजंता केव्स ऑलरेडी रिव्यू हो चुका है, वो अवेलेबल है। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, आज हम 1989 को उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था और आज हम उसका देखेंगे, ठीक है। एक एक चीज देखेंगे, इतिहास जानेंगे और उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि एक्चुअली ये है क्या, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, काफी लोग घूमने जाते हैं यहाँ पे। खजुराहो, महाबोधि, ये सब हम देखने वाले हैं। उसके बाद फिर ये दोस्तों नेचुरल साइट्स है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मानस, नंदा देवी, सुंदरबंस, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट जब करूंगा तो बड़ा मजा आएगा। उसके बाद ये मुझसे नाम नहीं पढ़ा जाता, सिक्किम में है वैसे, आपको बता दूं ये खनजन जोंगा नेशनल पार्क, ठीक है, मेरी हमेशा टंग ट्विस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों सांची स्तूप की, तो ये है क्या दोस्तों? ये बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आपने देखा ना, डोम शेप्ड हेमिस्फेरिकल है, ये हेमिस्फेरिकल शेप्ड पूरा एक स्ट्रक्चर है और इसको बनाया गया था क्यों? ताकि बुद्धिज्म फैले। बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करता है जो सांची में स्तूप है। बहुत सारे दोस्तों वैसे स्तूप है, खाली सांची में ही नहीं है, बहुत जगह है, ठीक है। आपको बनारस में भी, वाराणसी में भी मिलेंगे, सारनाथ, हर जगह आपको मिलेंगे, हर जगह ये फैले हुए हैं। लेकिन सांची का स्तूप बहुत बड़ा है और ये ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। 2000 साल पहले इसको बनाया गया था। 46 किलोमीटर है दोस्तों, भोपाल आप चले जाइए, भोपाल तक ट्रेन जाती है, वहां से फिर टैक्सी कर लीजिए, बस पकड़ लीजिए, 46 किलोमीटर है फिर, और वहां पे फिर सांची चले जाइए, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद दोस्तों इसके अगल बगल भी बहुत सारे स्तूप है, सिर्फ यही एक अकेला स्तूप नहीं है, अगल बगल बहुत सारे, ढेर सारे स्तूप मिलेंगे आपको। आप यहां से 9 किलोमीटर दूर चले जाइए तो आपको शतधारा मिल जाएगा, उसके बाद आप 11 किलोमीटर दूर चले जाइए तो आपको अंधेर मिल जाएगा, फिर आपको 16 किलोमीटर दूर चले जाइए तो भोजपुर मिल जाएगा, ऐसे ही सोनारी। तो अगल बगल ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहां पे आपको बहुत सारे स्तूप मिलेंगे लेकिन सेंटर में कौन सा है? सांची सेंटर में ये लोकेटेड है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दूं वैसे कि ₹30 टिकट लगता है यहाँ पे, अगर आप इंडियन सिटीजन है, बिमस्टेक के मेंबर्स है तो ₹30 टिकट है। लेकिन भैया अगर आप फिरंगी हैं, ब्रिटिश के हैं या ऑस्ट्रेलियन है या फिर अमेरिकन है तो ₹500। बहुत लूटा है अंग्रेजों ने हम लोगों को, अब हम उनको लूटेंगे, ठीक है। तो अगर आप बाहर के हैं तब काफी ज्यादा पैसे लगते हैं, वरना ₹30 लगता है दोस्तों। सुबह से शाम तक ये खुला रहता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। वैसे बेस्ट विजिट कब आप विजिट कर सकते हैं?
विंटर्स में जाइए दोस्तों, बेस्ट टाइम होता है, नवंबर से मार्च तक इतना सुहावना मौसम होता है, क्योंकि दोस्तों ये पूरा पत्थर, अगर आप गर्मी में जाएंगे तो भैया पत्थर बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत गर्मी लगेगी, और आजकल तो लोग वैसे ही गर्मी नहीं झेल पाते हैं, एसी चाहिए, सांची में एसी नहीं है वैसे इन स्तूपों के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे गर्मी बहुत लगेगी अगर आप गर्मी के मौसम में जाएंगे। बारिश में जाएंगे तो बारिश में फिर उमस और रास्ते भी थोड़े, मतलब काफी ज्यादा बारिश होती है, पानी यानी भर जाता है। बेस्ट ये है कि आप विंटर्स में जाइए, आप बहुत अच्छा सुहावना सुहावना मौसम होता है, काफी मजा ले पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद हम अगर देखें तो ये किन्हों किन्होंने बनवाया, देखिए दोस्तों इसकी स्टार्ट की, जो स्टार्ट किया था वो अशोक ने किया था, ठीक है। अशोक थे जिन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। अब अशोक की बायोग्राफी मैंने पूरी रिव्यू की है, वैसे बता दूं कि देखिए पहले तो भारत में क्या था, महाजनपद थे, ठीक है ना। सबसे पहले तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जहां से भारत शुरू हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो 3300 BC, मतलब आज से 5000 साल पहले, 5500 साल पहले वो सिविलाइजेशन शुरू हुई, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि 1900 BC तक वो फ्लरिश की, और उसके बाद फिर एक डिक्लाइनिंग फेज आ गया, 600 साल का सूखा पड़ गया, शिफ्ट हो गया, पूरा का पूरा वेदर ही शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आया हमारा वैदिक पीरियड, ठीक है, वैदिक पीरियड आया, फिर लेटर वैदिक पीरियड आया, दोनों को मिला दें तो 1400 BC से लेकर 600 BC तक। फिर जनपद आए, फिर महाजनपद आए, महाजनपद जो स्टेट्स है, पूरा भारत 16 स्टेट्स यानी कि 16 महाजनपद में डिवाइड था, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था भैया, सबसे इंपॉर्टेंट था बिहार, जी हाँ सबसे इंपॉर्टेंट था ये बिहार, जिसको पाटलिपुत्र, पटना बोला जाता था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और उसके बाद बंगाल फर्टाइल था ना, बंगाल हो गया, यूपी हो गया, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज थे, ठीक है, तो कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। तो उसके बाद फिर मौर्यंस पहले थे जिन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन दिया, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य पहले सम्राट बने, और उसके बाद उन्होंने 16 जनपद को डिसॉल्व करके एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन दिया। लेकिन उसके बाद दोस्तों, जब चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार के बेटे अशोक आए, उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सपैंड कर दिया, कलिंग वॉर, ठीक है, कलिंग वॉर जब हुआ था दोस्तों 262 BC में, उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से बुद्धिज्म को अपना लिया। कलिंग वॉर पे मेरा एक पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया, क्योंकि इतना खून खराबा हुआ दोस्तों, बहुत ज्यादा खून खराबा था। हालांकि बुद्धिज्म खुद भी दोस्तों 5th century BC, भगवान बुद्ध की भी मैंने बायोग्राफी पूरी कवर किया, आप देख लीजिएगा, वो भी तभी ओरिजिनेट हुआ था, उसके बाद वो फैलने लगा था। लेकिन अशोक ने जो काम किया उन्हीं को ही श्रेय दिया जाता है दोस्तों, जो बुद्धिज्म पूरी दुनिया में फैला। अरे पूरी दुनिया में मिशनरी, जो मिशन थे, बुद्धिस्ट मिशन भेजने वाले अशोक थे, चाइना हो गया, जापान हो गया, वियतनाम, इंडोनेशिया, हर जगह, श्रीलंका, हर जगह उन्होंने बुद्धिस्ट मिशंस भेजे, तभी तो बुद्धिज्म वहां पे पहुंचा। इसीलिए वहां पे आप देखते हैं ना, इन सारे ये जो एशिया के जो जितने भी देश है, ठीक है, भारत के अगल बगल, और अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में देखें, ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे बुद्धिज्म बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, चाइना में भी बुद्धिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। तो वो क्यों, वो अशोक की ही बदौलत, यहां पे इन्होंने फैला दिया था पूरे बुद्धिज्म को। और उसके बाद फिर और राजा आए, ठीक है, उसके बाद कुषाण आए, कुषाण डायनेस्टी आई। अब कुषाण डायनेस्टी भी बुद्धिज्म से बिल्कुल प्रेरित थी, ठीक है भैया, उनके जो राजा थे कनिष्क, ठीक है, चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन में हुई थी, कनिष्क ने हेड की थी वो, तो कनिष्क ने तो एक तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पे कहते हैं कि फैला दिया था यहाँ पे बुद्धिज्म को, और यहीं से बुद्धिज्म महायान और हीनयान में बट गया था, ठीक है। उसके बाद है सतवाहना, सतवाहना ने भी बनवाया, ठीक है, ये पूरा फैला दिया बुद्धिज्म को। और उसके बाद फिर है गुप्ता, तो हम देखते हैं यहाँ पे बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फैला, ठीक है, ये 600-700 सालों में बहुत ज्यादा फैला। इसी दौरान दोस्तों 6th century आते आते, मतलब जब 460 AD आ गया था, आज से 15 साल पहले, तो अजंता एलोरा भी बन गया, वो भी तो भैया बुद्धिज्म को ही दर्शाता है ना, मेरा पूरा लेक्चर देख लीजिएगा सेपरेट। तो बुद्धिज्म बहुत फैलने लगा। अब अशोक ने क्या किया, अशोक ने ढेर सारे शिलालेख बनवाए, ठीक है, अशोक ने बहुत सारे शिलालेख बनवाए, बहुत सारे खंभों का सृजन किया, ठीक है, पिलर्स बनवाए, यहाँ पे स्तूप बनवाए, ठीक है, रॉक एडिक्ट्स बनवाए, मेरा उसमें भी सेपरेट लेक्चर है। तो अशोक ने ये सारी चीजें बनवाई, और उसमें क्या था, सारा का सारा बुद्धिज्म इन स्तूपों में, इन शिलालेखों में उन्होंने बुद्धिज्म को उतार दिया था, उन्होंने अपने विचारों को उतार दिया था, और कैसे मौर्य साम्राज्य चलता था वो पूरा लिख के चले गए थे, ठीक है। 84,000 शिलालेख मिलते हैं दोस्तों अगर पूरी दुनिया की बात करें, और भारत में भी ढेर सारों, हजारों हजारों अलग अलग जगह पर अभी तक मिल रहे हैं,
ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शिलालेख का एक और इंपॉर्टेंस होता है, ये हिस्ट्री को बताते हैं ना, इतिहास को बताते हैं कि क्या हुआ था। ये बहुत अच्छा हुआ, वरना तो हम खोजते रह जाते, हमको कुछ नहीं मिलता। तो हम यहां पे देखते हैं सांची का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ा, और ये अशोक ने ही शुरू किया था। अशोक जिसने कब रूल किया था भैया, 232 बीसी में वैसे उसकी मृत्यु हुई थी, और 268 से लेकर 232 बीसी तक उसका पूरा रूल था। अब अशोक की बायोग्राफी मैंने पूरी की हुई है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे अशोक ने तो पूरा फैलाया इसे, लेकिन हम ये भी देखते हैं, ऐसा बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि जो अगली शुंग डायनेस्टी आई, जिसके फाउंडर थे पुष्यामित्र शुंग, जो कि आखिरी जो मॉडर्न रूलर थे बृहद्रथ, उनको मार के पुष्यामित्र शुंग आए थे 185 बीसी में। उन्होंने सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया, उन्होंने सांची को, ये जो स्तूप को है, ये तोड़वा दिया। और इसके बाद इनके बेटे अग्निमित्र, इन्होंने दोबारा इसको बनवाया। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरीके से सही नहीं है। देखिए अशोका अवदान में हमको ये सारी चीजें मिलती है। अब अशोका अवदान की बात करें तो ये जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हम देखते हैं उसमें ये बहुत ही बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है कि अशोक भी बहुत ज्यादा क्रूर था, ताकि जब अशोक बाद में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो तो ये बड़ा ही अच्छा लगे कि देखो पहले बहुत कितना क्रूर था, उसके बाद उसने बुद्धिज्म अपना लिया, अब कितना अच्छा हो गया। ऐसे ही पुष्यामित्र शुंग के साथ भी इन्होंने किया है। जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उन्होंने पुष्यामित्र शुंग को एकदम विलन दिखाया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, ये धारणा गलत है। बल्कि शुंग डायनेस्टी में तो अरे भैया इन स्तूपों को एकदम रिनोवेट कर दिया गया था, एक अलग ही डिजाइन दे दी गई थी। उसके बाद फिर सातवाहन ने और ज्यादा रिनोवेट कर दिया। लेकिन दोस्तों अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो पहले तो ये सब खोजा ही नहीं गया था, बाद में खोजा गया, ठीक है ना। तो यहां पे हम देखते हैं 1818 में ब्रिटिश जनरल टेलर ने इसको खोजा, और उसके बाद फिर जॉन हर्बर्ट मार्शल, जो कि डायरेक्टर जनरल रहे एएसआई के 1902 से 1928 तक, ठीक है, ये पूरा इन्होंने रिस्टोरेशन वर्क को कंटिन्यू किया, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सबसे ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है। वैसे अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें दोस्तों, तो देखिए इसको हम दिखाते हैं, ये देखिए इस तरीके का है, ठीक है। तो ये एक डोम शेप्ड है, अंडाकार है, ठीक है, इसको अंडा बोला ही जाता है, ठीक है। अगर हम इसको इसकी नोटेशन की बात करें तो इसको अंडा ही बोला जाता है, ठीक है। ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, इस तरीके से है दोस्तों। यहां पे ये पूरा एक अंडाकार है, ठीक है, और यहां से ये पूरा इधर एकदम ऊपर जो है वो रेक्टेंगल में है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हर्मिका, HERMIKA, हर्मिका, ठीक है, इसको हर्मिका बोलते हैं। और इसके ऊपर अम्ब्रेला है, छतरी है, ठीक है ना, इसके ऊपर छतरी है, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये छतरी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों ये जो आप रेलिंग्स देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं वेदिका, ये जो रेलिंग्स है, ठीक है, इसको कहते हैं वेदिका। और ये सब शुंग डायनेस्टी के ही पीरियड में हुई। अशोक ने सिर्फ ये सिर्फ एक स्तूप बना के छोड़ दिया था, बाकी ये पूरा रेनोवेट शुंग और सत्ववान और बाद में गुप्ता जो आए वो करते रहे, ठीक है। ये है गेटवे, ठीक है, और चार गेटवे हैं टोटल, आपको बता दूं, चार, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, चार गेटवे हैं। सदर्न गेटवे से एंट्री करते हैं यार, जो मेन एंट्रेंस है वो सदर्न गेटवे से ही है, ठीक है। और इसको कहते हैं तोराना दोस्तों। आप ये देख रहे हैं ये कितने सारे इंस्क्रिप्शन है यहां पे, ये जो स्टोन्स हैं इनको कार्ड करके देखिए कितनी चीजें बनाई गई। यहां पे आपको यक्षिणी, लक्ष्मी सबकी मूर्तियां मिलेगी। अरे भैया जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, ठीक है, जो पिलर है अशोक का, ठीक है, लाइंड कैपिटल, वो भी आपको इसमें मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तोरानास गेटवे है, ठीक है, यही से आप एंट्री करते हो, चार गेटवे, ठीक है, हर डायरेक्शन में एक गेटवे है, ठीक है, एक गेट है। तोरानास की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया, पूरे स्टोन को काटा गया है, कार्व किया गया एकदम बारीकी से, आप देख सकते हैं। अब ये क्या दर्शाता है, ये लव दर्शाता है, प्यार दर्शाता है, अमन पीस दर्शाता है, करेज दर्शाता है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्ट दर्शाता है, ठीक है, विश्वास दर्शाता है। और ये फिर यहां पे रेलिंग्स है, इनको वेदिका बोला जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे तो यहां पे एक रास्ता टाइप का एक पथ है, ठीक है, ये पूरा सर्कुलर है, आप एकदम घूम सकते हैं यहां पे। इसको बोला जाता है प्रदक्षिण पथ, ठीक है ना। जैसे ही आप अंदर यहां पे जाएंगे तो बिल्कुल एक साइड बाय साइड बिल्कुल एक सर्कुलर एक वे है, ठीक है, एक रास्ता टाइप का है। तो आप पूरा घूमिए, आनंद लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, ठीक है, चारों तरफ हरियाली और ये पूरा माउंटेन से ढका हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सांची। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि
मॉरियंस के समय में आप देख लीजिए क्या था, कुछ नहीं था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक स्तूप बनवाया, ठीक है, हर्मिका और ऊपर छतरी, ठीक है, यहां पे ये सीढ़ियां हैं चारों तरफ, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर हम शुंग की बात करें, अब आप देख लीजिए शुंगाज ने क्या किया, ठीक है, इन्होंने पूरी तरीके से रिनोवेट करवा दिया, खूबसूरत दोस्तों, आप देख सकते हैं ना, हर तरफ वेदिका यानी कि रेलिंग्स लगवा दी, गेटवेज बनवा दिए बहुत, और सत्ववाहना ने तो और अच्छा चारों तरफ पिलर्स भी लगवा दिए। तो ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। पहले अशोका ऐसे ही होता है दोस्तों, बिल्डिंग्स बनाते जाइए, उसको रिनोवेट करते जाइए और भैया बन जाती है फिर धरोहर, ठीक है। तो ये चीज, उसके बाद आप ये एक और तस्वीर है देख लीजिए, दूर से खूबसूरत लग रहा है, बहुत सारे स्तूप है दोस्तों, लेकिन सांची का स्तूप सबसे बड़ा है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि यहां पे आपको बहुत सारी तस्वीरें मिलेंगी दोस्तों। बता दूं कि ये स्तूप सिंबलाइज क्या करते हैं, क्या क्या आपको मिलेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे स्टोन को काट के ये सारी तस्वीरें, इसमें ये अलग अलग चीजें दर्शा रहे हैं। बर्थ प्लेस है दोस्तों, ये जटाका टेल्स की बर्थ प्लेस है भैया। जटाका टेल्स क्या, वही कहानियां जो बुद्धिज्म को दर्शाती है, भगवान बुद्ध पिछले जन्म में कैसे थे और कैसे बुद्धिज्म फैला, वो सब कुछ जटाका टेल्स जो है ना वो दर्शाती है। साथ ही साथ ये स्तूप जो बुद्ध ने मिराकल किए, जो चमत्कार किए, ठीक है, जैसे पानी पे वो चल गए थे, फायर उड़ वाला इंसिडेंट, वो सारी चीजें दर्शाती हैं किस तरीके से बुद्ध को इनलाइटनमेंट हुआ, ध्यान की प्राप्ति हुई, वो भी दर्शाती है भैया। ये सारे स्तूप रिलिक्स ऑफ बुद्धा पे बनाए गए हैं, ठीक है, जो फिजिकल रिमेन्स होते हैं ना इंसान के, उससे, ठीक है, तो बुद्धा के जो फिजिकल रिमेन्स है, जो मॉर्टल रिमेन्स है, उनसे इन सारे स्तूपों को बनाया गया है। तो फिर तो आस्था और बड़ी हो जाती है, ठीक है, बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है ये। तो ये चीज है, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो ये छोटा सा लेक्चर था स्तूप के, आई होप आपको समझ में आया होगा, जरूर इसको शेयर करिए दोस्तों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, आशा कर